और भाई क्या चाल, सब मस्त है? वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो 9:30 बज गए हैं और पानी बन के रेडी है, बट मेरा नहीं। पापा देखो पानी बन के रेडी है यहाँ पे, और मेरे में से अभी इमली डली हुई है। तो मैं क्या था वीडियो को अपलोड करने, और ठेला वगैरह शाम को आता हूँ ना तो गलती कर देता हूँ कि ये देखो शाम को ना पूरा जम जाता है। शाम को ही पानी मार के पोंछ दूंगा तो फिर आलस रहता है, शाम को थके रहते हैं, बस सामान निकालो और अंदर घुस जाओ। पानी भर लेते हैं इसमें। इस साफी से ना पहले मेरे को भिंगाना पड़ेगा ठेले को, मतलब ये जो है ना सामान पूरा। ये फूल जाएगा उसके बाद निकल जाएगा जल्दी। गर्मी पड़ रही है, वरना अगर बरसात होती तो फिर एक कपड़ा मारते और तुरंत साफ हो जाता, गर्मी के चक्कर में पूरा सूख जाता है ये। और देखो यहाँ पे पानी पूरी तल रहे हैं और ये तेल कम पड़ गया इसमें। चले जाओ चले जाओ चले जाओ। आय है, कितनी बची? इतनी बची बस, ये ज़्यादा नहीं बची, थोड़ी सी बची है बस। और मेरे को ना कुछ टी शर्ट लेनी है, मतलब ये जो पहनता हूँ ना मैं दुकान लाने के बाद, ये देखो मैं दिखाता हूँ, पूरी फट चुकी है। देखो पूरे पूरे में सब में छेद ही छेद है, और इधर भी फट चुकी है। तो मैं वही फुटपाथ में जो बेचते हैं उन लोग से बात किया था, तो 500 रुपये में 3 देने की बात कर रहे थे वो, बट देते हैं कि नहीं जाऊँगा देखने के लिए। अगर आज जल्दी ख़त्म हो ही जाता है, बेसिकली आप लोग की दुआ है और भगवान की कृपा है तो हो ही जाता है। ये देखो लोग आराम फरमा रहे। ओ भाई साहब कैसे, और बताइए कैसे रे शेरनी, कैसे शेरू? और नहा धोवा के रेडी हो गया हूँ, बट कोई मतलब का नहीं है, एकदम उमस है, बहुत तेज़ गर्मी है, ऊपर से ब्लैक शर्ट पहन ली है, और वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, फटी यहाँ पे भी। ये देखिए ये इधर रफू लगा है और इधर ये भी फटी है, कपड़े ही नहीं है मेरे पास। मैं सोच रहा हूँ आज ना पक्का ले ही लूँगा, बट देखते हैं, सोचने से थोड़ी होता है। तो देखिए इतनी तेज़ गर्मी है कि आलू को ना ठंडे करके टिक्की बनाई जा रही है, क्योंकि दोस्तों आलू जब गर्म होते हैं ना तो आलू टिक्की उतनी अच्छी नहीं बन पाती, वो गीली भी रहती है, इसलिए। तो कूलर के आगे काम चालू है, तो तकरीबन 70 या 75 टिक्की ले जाऊंगा मैं आज, और ये इतने आलू बचे हैं। ये देखिए ये जो बूंद गिरी ना आपको, ये बूंद मैंने आँख में घुस जाती है, उसके बाद जलन होने लगती है, तो यही पसीना है दोस्तों, बस इसको ऐसे करके पोंछ लेता हूँ मैं, और हाथ तो लगा नहीं सकता। लो भाई पतंग उड़ गई, हवा आ रही है इस तरफ से तो पूरी तिरपाल उड़ गई। अब अनिल सीधी जाकर चढ़ा दे ऊपर, समेट के चढ़ा दे, अपने भाई से बोल देता हूँ, लपेट के ना बराबर, बराबर नहीं करेगा ना तो फिर से वो गिर जाएगी दोबारा, समेट के, हाँ मोड़ के। और मोड़ो और मोड़ो और मोड़ो, ऊपर तक मोड़ियो एकदम ऊपर तक। चलो जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश, बारिश से ज़्यादा है, कहाँ की बारिश और कहाँ का वो। मैं जब अपना नया ठेला बनवाऊंगा ना तो यहाँ से कोई सा इंजन ले जाऊंगा पुराना, बहुत सारी बाइकें यहाँ पे स्कूटर वगैरह खड़े रहते हैं, और इसमें फिट करवा दूंगा। बट ये जो चक्के हैं ना, ये वाले चक्के उसमें नहीं चलेंगे, चक्के इसमें ही वाले चाहिए, बाइक वाले चक्के उसमें काम करेंगे, ये वाले चक्के रहेंगे तो टूट जाएगा फिर, और पूरा लोहे का रहेगा, इसमें तो लकड़ी वगैरह ऐसा पूछा है, वो पूरे लोहे का फिर स्टील का रहेगा। तो भाई वो इंजन वाला ठेला बनवाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और आराम मिलेगा मेरे को, और उसका खर्चा कम से कम 50,000 रुपये है, मतलब 50,000 रुपये खर्चा आएगा उसको पूरा कंप्लीट बनवाने में। अब अभी तो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन भाई बनवाऊँगा तो ज़रूर, नहीं तो ऐसे ऐसे ना मैं जल्दी मर जाऊँगा भाई, सही पूरा ख़त्म हो जाएगा मेरा ऐसे में। ए खुदा तू बोल दे अपने बादलों को, तेरा यार रो रहा है बारिश की जाए। हाय रे पूरी सड़ गीली जाती है यहाँ की, पसीना पोछ पोछ के। आज मैं अपनी दुकान लेके आ रहा था, और रास्ते में वैसे खिलाता नहीं हूँ किसी को मैं, जब मतलब लेके आता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया चाट बना देना या फिर फुल्की, जो भी खिलाता नहीं हूँ। तो एक लेडीज़ बाहर निकल के क्या बोली पता है, कि भैया लास्ट में ना बचा के ले आइएगा, और देखो उसकी बात में वो लग गई, मतलब पता है किसी किसी के बात लग जाती है कि धोनी खराब होती है कैसे भी, तो मेरे को लगता है उसी की बात लग गई है, एक बज गया है और मार्केट नहीं है, है ना? क्या बात, बहुत दिन के बाद, बहुत दिन के बाद, बताओ क्या खाओगे? चाट बना दूँ। वो नहीं बोलते हैं कि कुछ शुभ काम करने जाओ और कुछ टोक दे, वो भी अपोजिट, तो उसका कुछ फर्क पड़ जाता है, शायद ऐसा ही कुछ हुआ है। तो 3:15 बज रहे हैं अभी और आज बिक्री नहीं हुई, देखो बहुत सारा सामान आज बचा हुआ है, और पानी जो है ना पानी पीने वाला पूरा गर्म हो चुका है, और साथ में ये जो पानी पूरे का पानी जाता है ये भी पूरा गर्म हो चुका है, भीड़ नहीं है। सोच रहा है कि मैं पानी भर के ले आऊँ, एक आधा डब्बे पानी है, 2 डब्बे भर के रखा हूँ, एक डब्बा भर के रखा हूँ आधा टंकी में, बट वो गर्म हो चुका है पूरा,
मतलब पियोगे ना तो एकदम गर्म लगता है, तो भीड़ भी नहीं है। सोच रहा हूँ भर के लाऊँ कि नहीं लाऊँ कि हो गया रहन दो, और पता है ठंडा पानी रहता है ना तो एक्स्ट्रा पीते हैं कस्टमर। तो मैं फिलहाल एक कस्टमर आया है मेरे पास और मैं उसको खड़ा करके पानी भरने जा रहा हूँ एक डब्बा, देखिएगा ना भैया तुरंत आ रहा हूँ, तुरंत देखिएगा बस। ठीक है आप देखिएगा दुकान गई है देखिएगा। तो भाई अभी तुरंत घर आया हूँ, देखो सामान वगैरह सब उतार दिया मैंने, बट लेकिन एक प्रॉब्लम है क्या कि जब मैं शर्ट लेने गया ना वहाँ पे सोचा मैं लूँ, बट ठेले से ना तकरीबन मेरा ठेला मान लो यहाँ पे खड़ा है तो वो जहाँ वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ ना उतना दूर मेरी दुकान पे थी, मतलब दुकान फुटपाथ के बगल में लगी थी, तो वहाँ जाता कि सामने जो कपड़े दुकान थे वहाँ पे महंगे मिलते ना। देखो मैं सोच रहा हूँ ना कि दुकान में सिर्फ रगड़ने के लिए चाहिए मेरे को कि जो कि अपनी दुकान में पहन सकूँ और गंदी भी हो जाए, मतलब दो चार पाँच महीनों में फट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 200 रुपये या 150 रुपये। देखो फुटपाथ वाले कपड़े पहनने में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, गरीब आदमी हूँ तो मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ, मैं कभी भी ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता बिकॉज इतने महंगे आएंगे। और भाई ये सोचता हूँ मैं 500-600 रुपये का पैंट ले लो, 500-600 रुपये का टी शर्ट ले लो, 1000-1100 रुपये हो गए, फट गए, 5-6 महीने चल गए, उसके बाद दोबारा फिर से ले लो, बस यही काम है। बस ज़्यादा महंगे कपड़े वगैरह मैं लेता नहीं हूँ, जब से मैं आज तक मैंने कोई ब्रांडेड मतलब इसी चक्कर में ना कुछ मेरे फ्रेंड है वो कपड़े लेने जाते हैं ना या फिर ऑनलाइन ट्राई करते हैं तो बोला कि पता नहीं क्या क्या ब्रांड का नाम लेते हैं, तो मेरे को पता नहीं रहता, तो मैं बोलता हूँ भाई तुम लोग मूवी देखो ब्रांड बाबू, वो एक मूवी नहीं साउथ में आप लोग जरूर एक बार देखिएगा चेक करके। तो अब जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं विचार बनता है। तो सामान लेके आ गया हूँ, बाज़ार गया था, क्या क्या लाया मैं आपको दिखा देता हूँ। और बहुत तेज़ गर्मी है यार, मैं सोच रहा हूँ नहा लूँ, और क्योंकि अभी तो गर्मी से आया नहीं हूँ, मतलब ठेला लेके थोड़ी आया हूँ कि पूरा पसीना से, अभी नहा लूँगा तो सर्द गर्म नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या लाया हूँ, वो सामान लाया हूँ जो मेरे रेसिपी वीडियो के लिए एसेंशियल है, मतलब घर में कोई सामान नहीं था वो सब। तो ये देखिए मैं क्या क्या सामान लाया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अम्मा देखो, अम्मा देख लो कटोरियां क्या कर रही हैं इनकी। अब मेरी मम्मी पूछ रही है कटोरी क्या करेगा, कौन सी कटोरी बताओ, ये तो तीन सी है, दिखाओ खोल के बताओ। तो मैं ये लोटा लाया हूँ 100-100 रुपये की, और मेरी मम्मी ये पूछ रही है कि ये जो कटोरी लाया है क्या काम की है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ रेसिपी वीडियो बनानी है, ये प्लेट में पूरा रेसिपी का सामान रख लो ऐसे करके, और इसमें रख लो जीरा, इसमें धनिया, इसमें काला नमक, इसमें सफ़ेद नमक, ये सब सामान इसमें आएगा। और मैं ये चम्मच भी लाया हूँ ये वाली, और ये कुछ प्लेट भी लाया हूँ, ये देखिए ये सब कुछ प्लेट भी लाया हूँ, और बस फिलहाल तो अभी इतने सामान लाया, 300-400 रुपये खर्च कर दिए। तो दोस्तों मैंने नहा लिया है और मैंने बालों में तेल वगैरह कुछ लगाया है, तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, मेरे बाल कटवाने हैं यार थोड़े से ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं, ज़्यादा बड़े बाल वैसे मैं रखता नहीं हूँ। तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, गुड नाइट, बाय बाय।